बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लटा दिया गया। टारगेट पूरा करने के लिए नसबंदी की गई और बिना व्यवस्थाओं के लिए 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी की गई। गढ़ी मलहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही इसके बाद उजागर हुई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर कि जहां पर महिलाओं की पहले नसबंदी की गई, मैं टारगेट पूरा करने के लिए नसबंदी की गई और उसके बाद व्यवस्थाएं भी यहां पर पर्याप्त और सही मात्रा में नहीं थी। बिना व्यवस्थाओं के 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी कर दी गई और इसके बाद महिलाओं को जमीन पर ही लटा दिया गया। तो एक बड़ी लापरवाही गढ़ी मलहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उजागर हुई है, जहां पर टारगेट पूरा करने के लिए 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी की गई और इसके बाद महिलाओं को जमीन पर ही लटा दिया गया। तो आपको बता दें कि ये अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी लापरवाहियां उजागर हुई है और इसके बाद बिना व्यवस्थाओं के ही, बिना उचित व्यवस्था किए ही यहां पर 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी की गई और उसके बाद जमीन पर ही इन महिलाओं को लिटा दिया गया। 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी यहां पर की गई। तो नौगांव के गढ़ी मलहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां पर टारगेट पूरा करने के लिए 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी कर दी गई और उसके बाद इन्हें जमीन पर ही लेटा दिया गया। कपिल मिश्रा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, जानना चाहेंगे आपसे कि स्वास्थ्य केंद्र की ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और नसबंदी करने के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लेटा दिया गया, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है और क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल, नौगांव तहसील के जो गढ़ी मलहरा उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाएं न होने के बावजूद भी वहां के डॉक्टरों के द्वारा एक लापरवाही का मामला सामने आया है, उजागर हुआ है, जहां पर टारगेट को पूरा करने के लिए करीब 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी कर दी गई। वहां पर न पर्याप्त सुविधाएं थी, ना बेड थे, ना पलंग थे, ना गद्दे थे। जिस तरह से महिलाओं को जमीन पर लिटाकर नसबंदी के बाद जमीन पर लिटाया गया, तो कहीं कहीं बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार लाख दावे करे स्वास्थ्य विभाग में इजाफा की या सुविधाओं की सुधार की, लेकिन जो गढ़ी मलहरा उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें आई हैं, इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवाल या निशान जरूर खड़े होते हैं कि इस तरह से जो महिलाओं के साथ जो वहां पे जो खिलवाड़ किया जा रहा है नसबंदी करने के बाद, उनको जो व्यवस्थाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही। अगर व्यवस्थाएं नहीं थी तो उनको वहां पर नसबंदी महिलाओं की नहीं करना चाहिए थी। बिल्कुल, यदि व्यवस्था वहां पर नहीं थी तो बिल्कुल ये बात सच है कि महिलाओं की नसबंदी नहीं करनी चाहिए थी। क्या आपके इस पूरे मसले पर अस्पताल प्रबंधन से किन्हीं से कुछ बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, डॉक्टरों का कहना है कि हमको ऊपर से टारगेट मिला था, ये टारगेट उनको जिला स्तर से सीएचएमओ की तरफ से दिया गया था, हर स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया था कि लगभग कितने जो नसबंदी के जो मतलब ऑपरेशन है महिलाओं के किए जाने थे, उसी को लेकर हमने किया। लेकिन इस तरह से जिस तरह से जल्दबाजी की गई है, पहले स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेता, उसके बाद अगर महिलाओं की नसबंदी करता तो निश्चित तौर पर ये कारगर साबित होता। लेकिन इस तरह से जल्दबाजी में जिस तरह से महिलाओं की नसबंदी करते हुए जमीन पर लिटाया गया है, तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मरीज के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? क्या उनके द्वारा में कोई विरोध या ऐसा कुछ नहीं किया गया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? बिल्कुल नहीं, मरीज के परिजनों का साफ कहना है कि जो रूरल एरियाज के जो पेशेंट्स के जो परिजन होते हैं, वो इतने जानकार नहीं होते हैं अपने हक को लेकर, लिहाजा उनको जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाएं दी हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। और उन्होंने हालांकि पलंग ना देने की बात जरूर कबूल की है वीडियोज में। जी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीएमएचओ हमारे साथ विजय पथौरिया जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, क्या कुछ वो वजह रही कि नसबंदी पहले महिलाओं की गई और उसके बाद उन्हें जमीन पर ही लिटा दिया गया? लगता है संपर्क टूट गया है। तो गढ़ी मलहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, यहाँ का ये पूरा मामला है, जहां पर मैं टारगेट पूरा करने के लिए नसबंदी की गई, ऐसा अस्पताल प्रबंधन की ओर से ये प्रतिक्रिया आई है। जब INH के सहयोगी ने उनसे संवाददाता ने जब बातचीत की अस्पताल के प्रबंधन से, तो उनके द्वारा में ये बात यहां पर सामने आई कि टारगेट पूरा करना था और इसी के लिए नसबंदी की गई, बिना व्यवस्थाओं के 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी कर दी गई और इसके बाद ऑपरेशन
ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। गढ़ी मलहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है जहां पर बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया। तो टारगेट पूरा करने के लिए नसबंदी यहां पर की गई और बिना व्यवस्थाओं के 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी यहां पर की गई है। तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। और चलिए हमारे साथ फिर से एक बार सीएमएचओ विजय पथौरिया जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका आईएनएस 24x7 पर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है कि बिना व्यवस्थाओं के 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी कर दी गई, और क्या कारण रहा कि उन्हें ऑपरेशन के बाद जमीन पर ही लेटा दिया गया? जिम्मेदारों की तरफ में यहां से कोई जवाब और कोई प्रतिक्रिया यहां पर नहीं आ पा रही है। दो बार आईएनएस ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन फोन पर वे कुछ भी कहने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। संपर्क उनसे बार बार टूट जा रहा है। तो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो भी किसी प्रकार की कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, और आईएनएच लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनके द्वारा फोन काट दिया जा रहा है। तो गढ़ी मलहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हो रही है जहां पर महज टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं को निशाने पर लिया गया, बिना व्यवस्थाओं के 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी कर दी गई। कोई भी अधिकारी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे हैं। सभी यहां पर बातचीत करने से इस पूरे मसले पर मना कर रहे हैं और नसबंदी की गई महिलाओं की, 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी की गई और इसके बाद जमीन पर इन्हें लिटा दिया गया। टारगेट पूरा करने के लिए नसबंदी यहां पर की गई, बिना व्यवस्थाओं के 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी की गई और इसके बाद महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। और कपिल संवाददाता हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, जानना चाहेंगे आपसे कि लापरवाही यहां पर उजागर हुई है और वहीं सीएमएचओ और बड़े अधिकारियों से जब बातचीत करने की कोशिश की जा रही तो वो भी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है जिसके चलते जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, जिस वजह से वो जिस तरह से जो फोन कॉल्स अटेंड करना है या फोन पर जुड़ना उचित नहीं समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की ये जो बड़ी व्यवस्थाएं जो दुरुस्त करने की बात करते हैं, जिला प्रशासन बात करता है या प्रदेश का जो प्रदेश सरकार बात करती है, तो इस प्रकार के नसबंदी करने के पहले उनको एक रफ प्लान तैयार करना चाहिए था सीएमएचओ बीएमओ को बैठ के। लेकिन जिस तरह से वहां पर रातों रात महिलाओं की, करीब 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया था, और लेकिन जब वहां पर कवरेज कर रहे हैं जो मीडिया कर्मी जाते हैं उनको भी वहां पर उनके साथ अभद्रता की जाती है, बदतमीजी की जाती है, उनको घुसने नहीं दिया जाता, बोला जाता है महिला वार्ड है, आप अलाउ नहीं है। लिहाजा फिर वहां पर एक स्थानीय महिला पत्रकार को बुलाना पड़ा जिनसे हमको वीडियो शूट करवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि लापरवाही भी करते हैं और अपने आप को बचाते भी। इस तरह का एक गाड़ी मिलारा जो स्वास्थ्य केंद्र की जो तस्वीर है ये बयां कर रही है कि महिलाओं के साथ किस तरह वहां पर स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है वो खिलवाड़ कर रहा है। जी बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कपिल आपका। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये यहाँ पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें उजागर हुई है जहां पर गढ़ी मलहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। टारगेट पूरा करने के लिए पहले यहां पर 24 से अधिक महिलाओं की नसबंदी की गई, व्यवस्थाएं उनके लिए उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं की गई थी और ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लेटा दिया गया। तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वहीं जब आईएनएच द्वारा यहां पर जिम्मेदार अधिकारियों से, सीएमएचओ से जब बातचीत करने की कोशिश की गई, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया, उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया और वे बार बार फोन भी काट रहे थे। तो स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, नसबंदी की गई महिलाओं की और उसके बाद उन्हें जमीन पर ही लिटा दिया गया।